बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर रजब तैयब उर्दवान के हाथों 2018 के तहती इलेक्शन में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से 22% वोटों के फ़र्क से हारने वाले आज अपनी जमात ममलकत पार्टी के सरबरा और सदारती उम्मीदवार मुहर्रम अनशा ने अपोजिशन के कौमी इतिहाद से दिलचस्प मुतालबा कर दिया है। अनशा ने इलेक्शन से 4 रोज़ कबल क्या कहा है ये जानने से पहले अपनी स्क्रीन पर घंटी के निशान को क्लिक करके हमें अपनी पसंदीदगी से नवाजिए ताकि हम आपको तुर्की और पाकिस्तान के ताज़ा तीन हालात से आगाह रख सकें। ममलकत पार्टी के चेयरपर्सन और आइंदा इंतखाबात के सदारती उम्मीदवार मुहर्रम अनशा ने जनूबी सूबे अंतालिया में अवामी इजतमा से खिताब करते हुए कौमी इत्तेहाद को मशवरा दे डाला है कि उसे सदारती इंतखाब की दौड़ से दस्तबदार होकर उनकी हिमायत करनी चाहिए क्योंकि इसी सूरत में उर्दवान के मुकाबले में जीत की जमानत दी जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि वह हुक्मरान एक पार्टी से वोटरों को खींचने में कामयाब रहे हैं जिसमें अपोजिशन नाकाम रही है और जोर दिया कि वह दोनों वोटर बेस को बेहतर तरीके से जोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ अनशा ने गुज़श्त हफ्ते कहा था कि वह बाद शराइत के साथ अपोजिशन की हमायत कर सकते हैं और इसके बाद अपोजिशन से इत्तेहाद में शामिल 2 जमातों को निकालने का मुतालबा किया था जिनके सरबरा अपनी अलग सियासी जमातें बनाने से कबल हुक्मरान एक पार्टी से ताल्लुक रखते थे। मुहर्रम अनशा 2018 के सदारती इंतखाब में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से रजब तैयब उर्दवान के मुकाबले थे जिसमें उर्दवान ने वाज अक्सरियत से कामयाबी हासिल की जबकि अनशा को 2 दहाइयों में पहली बार इस तरह के इंतखाबात में रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के वोट को 30% से ज़्यादा करने का क्रेडिट जाता है। तहम अनशा ने 2021 में ममलकत पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बना ली।